बस जैसे कि इस वीडियो में मैं आपके साथ ये शेयर करता हूँ कि आप अपने चैनल पर सब्सक्राइबर कैसे बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको अपने चैनल्स के सबूत दिखा रहा हूँ कि आप देख सकते हैं कि मेरे साथ इस वक्त ये एक चैनल है और इसके सब्सक्राइबर भी आप व्यूअर देख सकते हैं, और मेरे साथ एक दूसरा भी चैनल है और इसके सब्सक्राइबर्स भी आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह अब दोनों चैनल्स खूब ग्रो हो रहे हैं, सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं। अब इस पर मैंने ऐसा क्या ट्रिक अप्लाई किया है जिसकी वजह से मेरे इन दोनों चैनल पर सब्सक्राइबर्स एक के 1000 से ऊपर और दूसरे के 4000 से ऊपर सब्सक्राइबर हो चुके हैं। पर एक ऐसा ट्रिक आपके साथ शेयर करता हूँ कि सुनकर देखकर आप यकीनन कहेंगे कि बिल्कुल आज तक किसी ने भी ये ट्रिक हमको नहीं बताया। वीडियो को मुकम्मल देखें और अपने चैनल के सब्सक्राइबर्स खूब ग्रो करें। तो व्यूअर्स, इससे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो काइंडली सब्सक्राइब करें। तो व्यूअर्स, बाकी यूट्यूबर्स की तरह मैं अपनी बात को घुमा फिरा कर आपके साथ शेयर नहीं करती, बल्कि डायरेक्टली आपको ये कहता हूँ कि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने इस वीडियो के लेंथ 8 मिनट से ऊपर रुको। ऐसा मैं क्यों करता हूँ ये भी आपके साथ तो शेयर करता हूँ। अगर आप सिर्फ सब्सक्राइबर्स पे देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को यहाँ से स्किप करके एंड तक जाए। लास्ट में मैंने शेयर किया है कि मैंने किस तरह अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाए हैं। अगर आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखे, इंशाल्लाह यकीन दिला रहा हूँ कि आपका टाइम मैं वेस्ट नहीं करूँगा, आपको ज़रूर फ़ायदा दूंगा। व्यूअर्स, जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया कि मैं इस वीडियो के लेंथ 8 मिनट से ऊपर रखना चाहता हूँ, तो व्यूअर्स इससे मेरा मतलब यह है कि अक्सर जो वीडियोज़ वायरल हो चुके हैं, अगर आप उन वीडियोज़ की लेंथ देखें तो वो 8 मिनट से ऊपर होते हैं। अब इनके कई तरह के वजूहत हो सकते हैं। एक वजह तो ये होती है व्यूअर्स के जो हमारे वीडियोज़ पर एड्स होते हैं, जब आपके वीडियोज़ 8 मिनट से ऊपर हो तो YouTube आपको अपना एक ऑप्शन भी देता है। YouTube आपके वीडियोस पर स्टार्टिंग में भी, दरमियान में भी और लास्ट पर भी एड्स लगाते हैं। तो इस वजह से जो 8 मिनट्स के ऊपर की वीडियो होते हैं वो अक्सर वायरल होते हैं। और मैं रिकमेंड भी करता हूं आपको भी कि आप भी अपने वीडियोस के लेंथ 8 मिनट से ऊपर रखें। व्यूअर्स, मजे की बात यह है कि मैं पहले बार कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे किसी वीडियो की लेंथ 8 मिनट से ऊपर हो, यानी इससे पहले मेरे सारे वीडियोज शॉर्ट्स लेंथ की है। व्यूअर्स, दूसरी बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो यह है कि अक्सर कुछ चैनल डेट हो जाते हैं, तो उन चैनल के डेट होने में जो मेन फैक्टर होता है वो व्यूअर्स ये होता है, अक्सर ये जो न्यू यूट्यूबर्स हैं उनके चैनल डेट हो जाते हैं, जिनके सब्सक्राइबर इस तरह 4000-5000 के होते हैं, तो अक्सर इस तरह के चैनल डेट हो जाते हैं। तो इसमें व्यूअर्स मेन वजह ये होती है कि अक्सर ये जो न्यू यूट्यूबर्स हैं अभी एक वीडियो अपलोड की 24 घंटे बाद देख ली, 48 घंटे बाद देख ली और इसी वीडियो पर व्यूज़ नहीं आ रहे, वो क्या करता है कि वो डायरेक्टली इसी वीडियो को डिलीट करता है। अब जब हम किसी अपने वीडियो को डिलीट करते हैं तो यूट्यूब के एल्गोरिथम को ये साइन चला जाता है कि ये यूट्यूबर खुद ही अपने वीडियो से सेटिस्फाइड नहीं है, तो इसके वीडियो को हम बाकी ऑडियंस के सामने क्यों लाएं, तो इस वजह से उनका चैनल डेड होना स्टार्ट हो जाता है। पर तीसरी बात जिसकी वजह से चैनल डेट होना स्टार्ट हो जाते हैं तो व्यूअर्स, वो ये वजह होती है कि अक्सर ये जो न्यू यूट्यूबर्स हैं ये अपने चैनल पर डिफरेंट किस्म के वीडियोस अपलोड करते हैं, कभी बर्ड्स के वीडियोस अपलोड करते हैं, कभी व्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं, कभी एजुकेशन वीडियोस अपलोड करते हैं। अब यूट्यूब के एल्गोरिथम को पता नहीं चल रहा कि इसकी वीडियो को हम किस तरह के कैटेगरी पर वायरल करें, इस पर बर्ड्स के वीडियोज भी है, इस पर एजुकेशनल भी है, इस पर व्लॉगिंग है, तो किस कैटेगरी पर हम इसके वीडियो को शेयर करें। और यही फिर वजह हो सकती है कि यूट्यूब ऐसे चैनल की वीडियोस को बिल्कुल वायरल ही नहीं कर रहा, यूं इस तरह के चैनल डेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। व्यूअर्स, फोर्थ फैक्टर ये होता है जिसकी वजह से चैनल डेट होते हैं, वो ये होता है व्यूअर्स कि अक्सर न्यू यूट्यूबर्स अपने चैनल के लिए सब्सक्राइबर्स या वॉच हावर्स बाई करते हैं, अगरचे इनके सब्सक्राइबर्स के जो तादाद है वो पूरे होते हैं, उनके वॉच हावर्स भी पूरे होते हैं, चैनल मोनेटाइज तो होता है, लेकिन बाद में यही सब्सक्राइबर जिसने एक दिन में बाई किया होता है बाद में इनका चैनल डेट होने का बायस बनता है। तो व्यूअर्स, ये गलतियाँ जो मैंने आपके साथ शेयर की इसको आपने कभी अपने चैनल पर दोहराना नहीं है, ऐसा मैंने किया था और इसका मेवा मैं अभी तक खा रहा हूँ। व्यूअर्स, वीडियो को 8 मिनट तक पहुँचाना इंतहाई मुश्किल है, अभी भी कुछ मिनट्स रहते हैं, तो सोचा कि आपके साथ ये जो मेरा सेटअप है ये आपके साथ शेयर करूँ, को थोड़ा मोटिवेशन भी मिले और साथ साथ मेरे जो 8 मिनट्स का जो ड्यूरेशन है वो भी कम्प्लीट हो जाए। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं प्रैक्टिकली जिस जगह पर मैं बैठा हूँ, आप व्यूअर्स देख सकते हैं।
तो व्यूअर्स, आपने मेरा सेटअप देख लिया, आपको थोड़ा बहुत मोटिवेशन भी मिल गया होगा कि अगर कोई चाहे तो किसी भी जगह से अपने यूट्यूब चैनल को स्टार्ट कर सकता है। ज़रूरी नहीं कि आपके साथ कोई सेटअप हो, बैकग्राउंड हो, बेहतरीन किस्म का कैमरा हो, ज़रूरी नहीं, आप किसी भी जगह से अपने यूट्यूब चैनल को स्टार्ट कर सकते हैं। आपने व्यूअर्स प्रैक्टिकल देख लिया। तो व्यूअर्स, अब आते हैं कि किस तरह आप अपने चैनल पर सब्सक्राइबर बढ़ा सकते हैं। तो व्यूअर्स, इंतहाई आसान है। जो ट्रिक मैंने अपने इन दोनों चैनल पर अप्लाई किया है, जिसकी वजह से आपने सब्सक्राइबर्स भी देख लिया कि माशाल्लाह खूब ग्रो हो रहे हैं। तो व्यूअर्स, मैं क्या करता, मैं व्यूअर्स अक्सर ये करता, स्पेशली जो न्यू यूट्यूबर्स है जो अभी अभी चैनल स्टार्ट कर देते हैं, जब भी वो वीडियो अपलोड करता मैं डायरेक्टली उसके वीडियो पर लाइक करता और एक बेहतरीन कमेंट करता। व्यूअर्स, आप थोड़ा अपना कॉमन सेंस इस्तेमाल करें कि एक न्यू यूट्यूबर्स के जो सब्सक्राइबर्स होते हैं वो कम होते हैं, जब आप उनकी वीडियो पर कमेंट करते हैं तो उनकी वीडियो पर चंद कमेंट्स होते हैं, वो आपके कमेंट को रिस्पांस देते हैं और ये रिस्पांस आपको वो फिर आपके चैनल सब्सक्राइब करने से देता है, क्योंकि वो खुश हो जाता है और इस उम्मीद से कि ये बात भी मेरे वीडियो पर आएगा तो वो आपके चैनल को सब्सक्राइब करता है। एक तो ये एक रियल एक्टिव सब्सक्राइबर होता है और ये भी आपकी वीडियो को फिर देखता है कि इसने मेरे वीडियो पर कमेंट किया है, तो मैं भी इसके वीडियो को देखूंगा। तो इसी तरह मेरे जो चैनल के सब्सक्राइबर थे इसी तरह बढ़ते जा रहे हैं। एक तो आप इसको एक सदका भी कह सकते हैं कि आपने एक इंसान का दिल खुश कर दिया और आपको डायरेक्टली इसी सदके का रिस्पांस भी मिल सकता है और आपके चैनल पर एक एक्टिव सब्सक्राइबर आ जाता है। तो आपको भी मैं यही रिकमेंड करता हूं कि कोशिश करें, सर्च करें ऐसे नई यूट्यूबर्स जो अभी अभी चैनल पर वर्क शुरू कर देते हैं, उनके वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, उनको मोटिवेट करें, उनको शाबाश दे, इंशाल्लाह वो भी आपके वीडियो पर आएगा, लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा और यू आपके सब्सक्राइबर्स भी बढ़ते जाएंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आप व्यूअर्स को अच्छी लगी होगी और रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी मुझको खुश करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मैं भी आपके चैनल पर आ जाऊँ और खूब आपके सब्सक्राइबर्स भी बढ़ना शुरू हो जाए। व्यूअर्स, अक्सर मैं आप व्यूअर्स के साथ ये शेयर करता हूँ कि मैं यूट्यूब पर तकरीबन 3 सालों से वर्क कर रहा हूँ, लेकिन व्यूअर्स जितना मैंने यूट्यूब पर मेहनत किया इस हिसाब से जितने मेरे चैनल पर सब्सक्राइबर्स आए, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा ना हो मेरा ये चैनल डेट हो, क्योंकि व्यूअर्स आप हमारे चैनल के व्यूज़ देख सकते हैं, अभी तो शुक्र है कि थोड़ा ग्रो होता जा रहा है, लेकिन इससे पहले हमारे चैनल पर बिल्कुल व्यूज नहीं आ रहे थे। तो इसके लिए मैंने एक नया चैनल क्रिएट किया है, आप व्यूअर साइट पर देख सकते हैं और आप व्यूअर से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारी इस चैनल पर भी विजिट करें ताकि जितना इन 3 सालों में मैंने यूट्यूब से सीखा है वो भी आपके साथ शेयर करो, कम से कम जिन बातों की वजह से मेरा ये चैनल डेट हो चुका है वो आपके साथ शेयर करो और आप उन बातों से एक किस्म का इज्तनाब करें ताकि आपका चैनल बच जाए। तो एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि आपने हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना है और साथ साथ ये चैनल भी आप जो हमारे नाम से है आप इसको भी लाजमी सब्सक्राइब करेंगे। तो व्यूअर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।